ऐसा क्या कहा हनुमान जी ने चंद्रमा की सुंदरता के बारे में कि श्री राम हुए अत्यंत प्रसन्न। सुबेल पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण जी द्वारा बनाए गए पुष्पों के आसन पर लेटे हुए हैं एवं सुग्रीव जी की गोद में उनका सर है। अंगद जी एवं हनुमान जी प्रभु की चरण सेवा कर रहे हैं और पास ही में सखा विभीषण उनके कानों में सलाह मंत्रणा कर रहे हैं। उस दिन पूर्णिमा है और आकाश में सुंदर श्वेत चंद्रमा को देखकर श्री राम ने एक प्रश्न किया, ये जो धवल चंद्रमा है इसके मध्य में जो श्याम रंग है भला उसका कारण क्या है सखाओं? प्रश्न सुनकर सब अपने अपने मत रख रहे हैं। सुग्रीव जी बानरों के अधिपति थे, उनका मन भूमि में संपदा में थोड़ा रमा हुआ था तो प्रभु के प्रश्न का उन्होंने यह उत्तर दिया, रघुनाथ जी जो भूमि का कालापन है वही श्वेत चंद्रमा में प्रतिबिंब स्वरूप श्याम वर्ण है जो हमें दिखाई दे रहा है। इस समूह में एक योद्धा थे तो उनका मन युद्ध में संघार में था, उन्होंने ये उत्तर दिया, राहु ने चंद्रमा के हृदय पे प्रहार कर दिया है, उसी से चंद्रमा के मध्य में श्याम वर्ण हो गया है। प्रभु श्री राम ने इसके बाद इस प्रश्न में कहना शुरू किया, उन्होंने क्या कहा वो बताऊं, इससे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि श्री राम का मन वचन और कर्म पूरे 14 वर्ष के वनवास में सबसे पहले अपने छोटे भाई लक्ष्मण, फिर उसके बाद अपनी भारिया श्री जानकी जी के आनंद में उन दोनों के हित में लगा रहा। देखिए इसी कारण प्रभु ने चंद्रमा के श्याम रंग पे क्या कहा। प्रभु ने कहा कि चंद्रमा का प्रिय भ्राता विष है, दोनों समुद्र से प्रकट हुए हैं और इसीलिए चंद्रमा ने अपने प्रिय भाई विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। पहले सुधी अपने छोटे भाई लक्ष्मण की रही और आगे कहते हैं वही श्याम रंग का विष चंद्रमा के हृदय में बैठकर उसकी किरणों के माध्यम से विरह में व्याकुल नारी और पुरुष के हृदय को जलाता है। अब अपनी भार्या का स्मरण करके विरह का बोध होता है। अंत में एक भक्त बोलता है, वो भक्त जिसे अपने प्रभु के अलावा संसार में कोई भी दिखाई देना तो दूर, हृदय में प्रभु के अलावा कोई भी स्मरण रहता ही नहीं, वो भक्त जिसने अपना हृदय चीर के सीताराम के दर्शन इस जगत को करा दिए थे। हनुमान जी कह रहे हैं, सुनिए प्रभु, ये जो चंद्रमा है ना, ये आपका प्रिय दास है, आपके श्याम सुंदर छवि इसके मन में बसी रहती है, इस कारण चंद्रमा में श्याम रंग दिखाई देता है। भक्ति का वो चरम स्तर जहाँ प्रभु के अलावा जगत में कुछ दिखा ही नहीं दे रहा हो, ऐसे भक्त प्रवर हमारे श्री हनुमान जी महाराज। श्री राम ने अपने अनियन भक्त की ओर देखा और बस मुस्कुरा भर दिए, मानो कह रहे हैं, प्रिय भक्त मुझसे भी अधिक तुम्हारा यशोगान इस जगत में होता रहेगा और तुम्हारी सेवा भक्ति करने वालों के समस्त कार्य में सबसे पहले सिद्ध करता रहूँगा। और उनका भक्त वहाँ प्रेमाश्रु बहाते हुए सीताराम 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 सकीर्तन में निमग्न रहा। जय श्री राम।